हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2023 से पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट आने वाली है, तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, क्या वो घटेंगी बढ़ेंगी, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में तो आपको उन नई इंटरेस्ट रेट का इंतज़ार करना चाहिए या अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और उससे इम्पोर्टेंट आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जो इंटरेस्ट रेट आगे आने वाली हैं उसके बारे में हम पहले ही कैसे जान लेते हैं कि आखिर वो क्या हो सकती हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ताकि आप भी अगली बार जब ये पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट आए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने में आती रहती हैं, तो अगली बार आप भी ये प्रिडिक्ट कर सकें कि पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट क्या घटेंगी या बढ़ेंगी। लेकिन इन सब को जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिलहाल पोस्ट ऑफिस की क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर फिलहाल कितने रुपए मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जिसमें हम कभी पैसे निकाल सकते हैं, कभी पैसे जमा कर सकते हैं। इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर इसमें 1 लाख रुपये हम जमा करते हैं तो 1 साल के बाद हमें मिलेंगे 1,04,000 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम RD स्कीम के बारे में। ये 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें हर महीना पैसे जमा करने होते हैं। उसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.5% है। अगर इस स्कीम में हम हर महीना 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 70,990 रुपये, और इस स्कीम में हमें चक्रवर्ती यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम की। सबसे पहले बात करेंगे 1 साल की FD की। देखिए, इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। अगर इस स्कीम में हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमारे 1 लाख रुपये 1 साल में हो जाएंगे 1,07,080 रुपये। और पोस्ट ऑफिस की FD में भी हमें जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी उस पर भी हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की इंटरेस्ट रेट क्या है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। और अगर हम 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर 1 लाख रुपये पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम 2 साल की FD में, तो हमारे ये पैसे बढ़ के हो जाएंगे 1,14,371 रुपये 2 साल के बाद। अब बात करें पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD की, तो 3 साल की FD की भी इंटरेस्ट रेट 7% है। और अगर हम पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD में 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 3 साल के बाद हमारे 1 लाख रुपये हो जाएंगे 1,21,558 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के 5 साल की FD की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 साल की FD नहीं होती, सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल की होती है। अगर 5 साल की FD की बात करें तो इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है TC के अंडर 1.5 लाख रुपये तक की। इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल 7.5% है। और 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद हमें मिलेंगे 1,38,568 रुपये। आइए अब बात करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की एक और सबसे शानदार स्कीम, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं, 5 साल की स्कीम है, और हर महीने हमें इस स्कीम में ब्याज मिलता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। और इस स्कीम में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे टोटल रुपए हो जाएंगे 1,37,000 रुपए 5 साल के बाद। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। ये सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम है और इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। इस स्कीम में हमें हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 5 साल के बाद हो जाएंगे 1,41,000 रुपए। और इसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस की सारी इंटरेस्ट रेट अगर कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम की। NSE स्कीम की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है। और इसमें 1 लाख रुपये हम जमा करते हैं तो हमारे ये हो जाएंगे 1,44,903 रुपये। और इस स्कीम में भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद, जो ब्याज हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 ईयर FD से भी ज़्यादा इसमें हमें रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम की। KVP स्कीम हमारी डबल करने वाली, पैसे करने वाली स्कीम है। इसमें अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 2 लाख हो जाएंगे लगभग लगभग 9 साल और 7 महीने में। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। किस KVP की फुल फॉर्म होती है किसान विकास पत्र, तो इसमें जितने पैसे हम जमा करेंगे वो डबल हो जाते हैं। और जैसा कि ये डिपेंड करता है किसी इंटरेस्ट रेट पे, जैसे कि इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है तो उस हिसाब से लगभग 10 साल में इसके पैसे डबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसी की इंटरेस्ट रेट अभी पिछले कई साल से नहीं बढ़ रही, बाकी सारी स्कीमों की बढ़ी है। इसमें अगर हम 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो हमारे जो टोटल रुपये हो जाएंगे, 15 साल की स्कीम है, तो ये हो जाएंगे 3,15,572 रुपये 15 साल के बाद, क्योंकि ये 15 साल की स्कीम है। इसमें हम चाहें तो हर महीने जमा कर सकते हैं या जब हमारे पास पैसे आए तब इस स्कीम में हम जमा कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 8% है। ये हमारी गुड़िया के लिए एक स्कीम है जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुल सकता है। इसमें अगर हम हर महीना 1,000 रुपये जमा करते हैं तो ये 15 साल तक हमें इसमें पैसे जमा करने होते हैं, तो 21 साल के बाद हमें मिलते हैं, तो 21 साल के बाद हमें मिलेंगे 5,39,649 रुपये, यानी कि हमारे पास लगभग 5.5 लाख रुपये होंगे, 1,000 रुपये अगर हम पैसे जमा करते हैं स्कीम में।
देखिए, जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारे रूल्स हैं, वैसे ही पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे रूल्स हैं। पोस्ट ऑफिस में लगभग 10 से ज़्यादा योजनाएं हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस की एनएससी, पोस्ट ऑफिस की केवीपी, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम। तो ऐसे करके लगभग 10 से ज़्यादा स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में है। तो उन सब के रूल्स और उन सब रूल्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। हमने तैयार की है आपके लिए एक ई बुक, जिसमें पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स के रूल्स बिल्कुल आसान भाषा में है, जिसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। और उसमें से आप कभी भी जो भी आपको रूल जानना है आप इजीली उसमें देख सकते हैं। देखिए, इस ई बुक का प्राइस हम पहले 500 रुपये रखना चाहते थे, लेकिन हमें पता है कि सारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका प्राइस रखा सिर्फ 100 रुपीज। क्योंकि हमारी ई बुक की ये फर्स्ट लॉन्चिंग है, इसीलिए हमने एक स्पेशल ऑफर रखा है। पहले 500 लोगों के लिए ये प्राइस होगा सिर्फ 50 रुपये, जो एक पिज़्ज़ा और बर्गर से भी बहुत कम है। उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसका प्राइस हमने इसलिए इतना कम रखा ताकि सारे इसको इजीली अफोर्ड कर सके। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो 50 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी कंडीशन बता सकता है, उसको हम ये फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप ये ईबुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसको इजीली ले सकते हैं। अगर वहां पे आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो हमने नीचे एक यूपीआई आईडी दे दी है, आप वहां से पेमेंट करके तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है satvindernarwalofficial@gmail.com वहां पे आप उसको भेज सकते हैं, हम उस ईबुक की कॉपी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलते हैं अब हमारे मेन कंटेंट पे। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाली इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाली है। देखिए, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो या फिर वो बैंक की, ये सारी डिपेंड करती हैं आरबीआई की रेपो रेट पे। तो चलिए थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, उसको अपना काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा कहाँ से आता है, वो आरबीआई से वो पैसा लेता है। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं है कि उसको फ्री में पैसे दे देता है, आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट लगाता है। जैसे हमें इंटरेस्ट रेट मिलती है, वैसे ही आरबीआई की एक अपनी इंटरेस्ट रेट होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो बैंकों को और पोस्ट ऑफिस को पैसे देता है। तो इसीलिए अगर आरबीआई वो रेपो रेट यानी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो उस केस में जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई से कम पैसा उधार लेते हैं। अगर बैंक्स के पास कम पैसा होगा तो उस केस में वो लोन भी कम देंगे। इसीलिए जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक के पास पैसे की कमी होती है और लोन लेने वाले ज़्यादा होते हैं। इसलिए जितने भी लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, कार लोन है या पर्सनल लोन है, सारे लोन्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है। और क्योंकि फिर लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, इसीलिए जो भी सेविंग स्कीम्स हैं या पोस्ट ऑफिस की या बैंक्स की, एफडी होगी, हमारी सीनियर सिटीजन मंथली इनकम स्कीम, हमारी केवीपी एनएससी, जितनी भी हमारी स्कीम्स होती हैं, तो उनकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाती है। यानी कि जब जब रेपो रेट बढ़ेगी, यानी आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाता है बैंक्स को पैसा देने के लिए, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है अपनी रेपो रेट बढ़ाएगा, वैसे वैसे लोन की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगी और जो हमारी सेविंग स्कीम्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगी। और उसी प्रकार से इसका उल्टा भी है, अगर रेपो रेट गिरती है तो उस केस में बैंक्स ज्यादा पैसा लेते हैं, इसलिए उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होता है और इसीलिए लोन सस्ते हो जाते हैं, यानी उनकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। इसी वजह से जो सेविंग स्कीम्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं जो हमारी 1 अक्टूबर से नई इंटरेस्ट रेट आने वाली है, आखिर वो क्या रहेंगी। देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करती है रेपो रेट पे, इसीलिए अगर हमें ये देखना है कि वो क्या रहने वाली है, तो हमें अपनी रेपो रेट देखनी पड़ेगी कि हाल फिलहाल में जो आरबीआई ने रेपो रेट है वो बढ़ाई है या वो घटाई है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है तो पूरे पूरे चांस हैं कि हमारे सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगी। अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाई है तो पूरे चांस हो जाते हैं कि क्या पता सेविंग स्कीम्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए। लेकिन फिलहाल जो आरबीआई ने रेपो रेट जारी की थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, यानी कि जो रेपो रेट हमारी 6.5% की थी उसको एज इट इज रखा गया था। इसीलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अब की बार इंटरेस्ट रेट आएंगी वो सेम रहे। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये कि आने वाले साल में चुनाव होने वाले हैं,
इसीलिए हो सकता है सरकार लोगों को खुश करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग स्कीम्स की उनको बढ़ा दे। अगर हम रेपो रेट के हिसाब से देखें तो वो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर हम देखें चुनावी माहौल के हिसाब से तो शायद ये इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा चांस है हमारे पीपीएफ अकाउंट के, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट की पिछले काफ़ी सालों से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी है, बाकी सारी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी हैं। हमारी आरडी की भी नहीं बढ़ी थी, पिछली बार उसको 6.2 से 6.5 कर दिया था, अब की बार भी हो सकता है एक दो पॉइंट और बढ़ जाए, लेकिन चांसेस कम है बाकी स्कीम्स के, पीपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ रही है इतने सालों से, तो हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में, तो आपको रुकना चाहिए या अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो सेम रहे या वो बढ़ सकती है, इसका मतलब कम होने के तो आसार है नहीं। इसीलिए अगर आप रुक सकते हैं 10-15 दिन तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या पता उस स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अगर वो बढ़ेंगे भी नहीं तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट तो मिलने ही वाली है, तो इसीलिए अगर आप रुकते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद ज्यादा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।